आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसिल एग्जाम 2020 में असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और ये है इस वीडियो का पार्ट टू। पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम 27 नंबर से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फंक्शन ऑफ फ्यूल पंप इन पेट्रोल इंजन इज, ठीक है। तो फ्यूल पंप का जो फंक्शन है पेट्रोल इंजन में वो क्या होता है? तो पेट्रोल इंजन में जो फ्यूल पंप का वर्क है वो है कि फ्यूल को कार्बोरेटर में पहुँचाने का, ठीक है। पंप फ्यूल टू रीच इन इट इन कार्बोरेटर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कार्बोरेटर जो होता है वो एयर प्लस ईंधन के अनुपात को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये कार्बोरेटर का वर्क होता है और फ्यूल पंप जो है वो फ्यूल को कार्बोरेटर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर एसेसरीज, ठीक है। तो कौन सी यहाँ पे बॉयलर एसेसरीज है? तो ये है इस सुपर हीटर जो है वो एक बॉयलर एसेसरीज है। और एसेसरीज के बारे में आपको मैं डिटेल से बता दूँ, बॉयलर में दो होते हैं, एक होता है बॉयलर एसेसरीज और एक होता है बॉयलर माउंटिंग, ठीक है। बॉयलर माउंटिंग जो है वो बॉयलर की प्रॉपर एंड सेफ रनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि बॉयलर एसेसरीज बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। बॉयलर एसेसरीज के जो एग्जाम्पल हैं उसमें फीड पंप, सुपर हीटर एंड इकोनोमाइजर आदि आते हैं, जबकि बॉयलर माउंटिंग में वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, सेफ्टी वाल्व, स्टॉप वाल्व, फीड चेक वाल्व आदि आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयलर एसेसरीज पूछा है तो आप बता सकते हैं कि सुपर हीटर जो है वो एक बॉयलर एसेसरीज है, जो बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो ऑफ केम इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ फॉलोअर फ्रॉम, ठीक है। केम का थ्रो फॉलोअर की निम्न से अधिकतम दूरी होती है, तो किससे अधिकतम दूरी होती है? वो होती है बेस सर्कल से, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद केम और फॉलोअर के बारे में बता दूं, केम और फॉलोअर जो है वो हायर पेयर होते हैं, हायर पेयर का एक एग्जांपल है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ जाता है, केम और फॉलोअर हायर पेयर हैं लोअर पेयर हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें, केम और फॉलोअर जो हायर पेयर है, और केम का जो थ्रो है उसमें फॉलोअर की जो मैक्सिमम दूरी होती है वो बेस सर्कल से होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोप ब्रेक डायनोमीटर में क्या यूज़ करते हैं? रोप ब्रेक डायनोमीटर यूजेस ऑयल एज लुब्रिकेंट या वाटर एज लुब्रिकेंट, ठीक है। दो ऑप्शन और हैं इसके, वो भी दिखा देता हूँ। तीसरा है ग्रीस एज लुब्रिकेंट या फिर फोर्थ है नो लुब्रिकेंट, ठीक है। तो रोप ब्रेक डायनोमीटर में आपका कोई भी लुब्रिकेंट यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नो लुब्रिकेंट यूज़। उसके बाद मैं बता दूँ जो डायनोमीटर है ये एक ब्रेक होता है, ठीक है, और पावर मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन पावर डायनोमीटर के अंदर आते हैं। हमारे दो डायनोमीटर हैं, एक आता है रोप ब्रेक डायनोमीटर, एक आता है प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि रोप ब्रेक डायनोमीटर में कोई भी लुब्रिकेंट यूज़ नहीं किया जाता है, इस प्रकार इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इंजन, ठीक है। एक इंजन की जो कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का जो उतार चढ़ाव गुणांक है वो कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, जो आपको याद रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला है रेशो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन पर साइकिल, ठीक है। जो सी ऑप्शन में दिया गया है वो इसका फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना है। इस ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बेस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, बेस्ट नहीं है बेल्ट होगा, इन बेल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट व्हेन स्टेशनरी, ठीक है। तो बेल्ट जब रुकी हुई स्थिति में है तो उसमें इनिशियल टेंशन कितनी होगी? तो इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला होता है टी नॉट इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टू टी सी अपॉन टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी वन है वो जो टेंशन साइड में तनाव है वो है, उसके बाद स्लैक साइड में जो तनाव है वो टी टू होता है, और टी सी जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बेल्ट हमारी रुकी हुई कंडीशन में है तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आपका जीरो हो जाएगा, तो उस केस में आपका टी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा टी वन प्लस टी टू अपॉन टू। तो इस हिसाब से इसका जो है डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका
करेक्ट हो जाएगा, टी वन प्लस टी टू अपॉन टू, ये होगी इनसील टेंसिल बेल्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेम मटेरियल लेंथ एंड टॉर्क ऑफ अ होलो शाफ्ट। ठीक है, फॉर द सेम मटेरियल लेंथ एंड टॉर्क ऑफ होलो शाफ्ट इट वेट डैश एज सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, होलो शाफ्ट का वेट कैसा होगा, मोर होगा, लेस होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो वो होगा लेस। ठीक है, सेम मटेरियल लेंथ और टॉर्क के लिए होलो शाफ्ट का वेट जो है सॉलिड शाफ्ट से कम होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल्स फॉर अ टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम लाइज। ठीक है, जो मोर सर्कल का जो सेंटर है वो किस डायमेंशन पर होता है, सॉरी इसने पूछा है कि सेंटर ऑफ मोर सर्कल फॉर अ टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम लाइज। ठीक है, तो मोर सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहाँ पे लाइज करता है, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ऑन एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस या ऑन 45 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर होगा। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, एक्स एक्सिस पे मोर सर्कल का जो सेंटर होता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए मोर सर्कल बना हुआ है। ठीक है, वर्टिकली जो है इसमें ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसका जो सेंटर होता है ये वाला सेंटर जो है मोर सर्कल का वो एक्स एक्सिस पर होता है। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल गिव द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो मोर सर्कल की जो रेडियस है वो किसकी वैल्यू बताती है, वो बताती है रेडियस इसकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को। मोर सर्कल की रेडियस जो है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को बताती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए मोर सर्कल की जो रेडियस है वो ये इसका डाया होता है पूरा। ठीक है, इस डाया का अगर हाफ कर दोगे तो वो रेडियस बन जाएगी आर। ठीक है, डाया का हाफ त्रिज्या होती है, तो ये रेडियस पूछ रहा है, रेडियस का फॉर्मूला होता है यहाँ पे हो जाएगा, ये होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू। ठीक है, यहाँ पे आर इजिकल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स यहाँ आर इजिकल टू ये लिख लो आप सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू। ठीक है, ये हो गया, और ये ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को दर्शाती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपल सपोर्ट बीम ऑफ लेंथ 3 मीटर कैरिया कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 12 किलोन्यूटन एट द डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन बीम विल बी। ठीक है, तो इसका फिगर आप बनाइए, पहले एक सिंपल सपोर्टेड बीम बनाइए, उसके बाद उसके सेंटर में 12 किलोन्यूटन का एक लोड आपको दिखाना है। ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड होगा ये, दोनों सिरे पर आपको रिएक्शन के लिए आर ए आर बी लिखिए, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड से 1 मीटर की दूरी पर ये दिखाना है 12 किलोन्यूटन का लोड। ठीक है, सेंटर में नहीं दिखाना, ये आपको लेफ्ट साइड से 1 मीटर की दूरी पर दिखाना है। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है इसकी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में गलत किया हुआ है इसने, क्या है सिंपल सपोर्टेड बीम की जो टोटल लंबाई है वो 3 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट साइड से 1 मीटर की दूरी पर 12 किलोन्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है, नीचे आप देखेंगे तो इसने थोड़ा रॉन्ग किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये टोटल जो लंबाई है इसकी 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर ये हो गया, तो इधर का आपका 2 मीटर बचेगा जो कि इसने 3 मीटर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको ये सोल्व करना होगा, सोल्व करने का तरीका भी मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप आर ए प्लस आर बी इजिकल टू 12 किलोन्यूटन लिखेंगे। ठीक है, नीचे से लगने वाले फोर्स इजिकल टू ऊपर से लगने वाले फोर्स हो जाएंगे। आर ए नीचे से रिएक्शन लग रही है, आर ए प्लस आर बी इजिकल टू 12 किलोन्यूटन। उसके बाद अब ए के परिते आप आघूर्ण लेंगे, ठीक है, मोमेंट लेंगे, तो आर बी इंटू 3 हो जाएगा टोटल। आर बी से आर ए तक की दूरी जो टोटल वो 3 है, माइनस के 12 गुना 1। ठीक है, यहाँ पर आर बी की वैल्यू निकल जाएगी। आर बी की वैल्यू जैसे ही निकलती है आपकी, आप पहले रिएक्शन में रख देंगे आर ए प्लस आर बी वाली में, तो आपकी आर ए की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, आर बी की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर निकल गई, उसके बाद आर ए की वैल्यू भी इस तरह से निकल जाएगी, 12 - 4 = 8 किलोन्यूटन। आप यहाँ पर मैक्सिमम आपको अघूर्ण निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो आएगा आपके जो बीम है उसकी आर बी डिस्टेंस से 2 मीटर की दूरी पर, मतलब बीच में आएगा
तो आपको आर बी इंटू डिस्टेंस कितनी होगी, दो, तो आर बी कितना है आपका चार, ठीक है, चार गुना दो इजकल टू 8 किलो न्यूटन मीटर आपका आ जाएगा आंसर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर में वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, अपने चिन्ह को चेंज कर लेता है डायग्राम में, वहीं पर हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जनरली ओवरहैंगिंग बीम में होता है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है, ओवरहैंगिंग बीम में हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शियर फोर्स एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर शाफ्ट अंडर टोर्सन इज, तो सेंटर पे जो सर्कुलर शाफ्ट है उसके सेंटर में शियर फोर्स जो हो जाएगा अंडर टोर्सन में वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो शियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं सर्कुलर शाफ्ट में किस तरह का होता है, दो ट्राइंगल बनते हैं इसमें जो कि सेंटर में आगे एक जगह मिल जाते हैं, इसलिए सेंटर पर जो शियर फोर्स है वो जीरो होता है सर्कुलर शाफ्ट में, और इसके जो पेरिफेरी पर देखते हैं वहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, शियर फोर्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल में शियर फोर्स जीरो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन मॉडुलस जेड इज एक्सप्रेस्ड एज, तो सेक्शन मॉडुलस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सेक्शन मॉडुलस जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई, आई होता है यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और वाई होता है हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस से किनारे की अधिकतम दूरी। मैं बना दूँ जैसे एक शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट है, तो इसकी न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर बीच में, न्यूट्रल एक्सिस से और इसके किनारे तक की जो दूरी होती है, ठीक है, इसे वाई बोलते हैं, वाई, और आई जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जेड आपका यह है सेक्शन सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई, याद कर सकते हैं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सीजी इज, तो सेक्शन मॉडुलस पूछा है उसने सर्कुलर शाफ्ट का अबाउट सीजी, ठीक है, तो सेक्शन मॉडुलस का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्सिया और वाई जो है न्यूट्रल एक्सिस से किनारे तक की दूरी है, आई की वैल्यू आपको पता होगी ये होती है पाई अपॉन 64 इंटू डी की पावर 4, ये होती है, और जो वाई की ये 64 है और वाई की वैल्यू होती है डी वाई 2। जब इसे आप रखते हैं टोटल निकालते हैं तो इसका फाइनली आंसर आपका आता है, ठीक है, देखिए इस तरह से रखते हैं और फाइनल आंसर आपका आता है पाई डी की पावर 3/32, ये होता है आपका सेक्शन मॉडुलस डाई की फॉर्म में, जब डाया दिया गया हो तो पाई डी की पावर 3/32, ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पाई डी पावर 3/32, ये होता है सेक्शन मॉडुलस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पाई अपॉन 64 इंटू डी की पावर 4, पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4, ठीक है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई की वैल्यू, वाई की वैल्यू डी बाई 2, सेक्शन मॉडुलस पाई डी की पावर 3/32, सबको याद रखें, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ये देखिए मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किस बीम में होता है, और वो ही इस क्वेश्चन में आ चुका है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपका मेनली ओवरहैंगिंग बीम में होता है। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया, इन नॉर्मल लोडिंग कंडीशन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अकर्स ओनली इन ओवरहैंगिंग बीम, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज मोर सर्कल इज, ठीक है, तो मोर सर्कल में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके इक्वल होती है, इक्वल टू रेडियस ऑफ मोर सर्कल, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको डायग्राम में, पीछे जाकर आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में कि रेडियस किस तरह से उसके मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के इक्वल होती है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मोर सर्कल की जो रेडियस है वो हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेशो ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर एंड इंडिकेटेड हॉर्स पावर इज कॉल्ड, ठीक है, रेशो, ठीक है, अनुपात क्या बताना है, रेशो ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन इंडिकेटेड हॉर्स पावर, तो इसे बोलते हैं हम मैकेनिकल एफिशिएंसी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक हॉर्स पावर BHP लिखता हूँ और अपॉन इंडिकेटेड हॉर्स पावर IHP, ठीक है, ये हो गया आपको
बीएचपी अपॉन आईएचपी इज इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी फॉर आईसी इंजन। ठीक है, बीएचपी और आईएचपी के बारे में बता दूं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर होती है जो सिलेंडर के अंदर हमारी पावर जनरेट होती है, उसे हम इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं, और ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं, जो पावर हमारी शाफ्ट पर दी जाती है उसे हम ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, और ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन इंडिकेटेड हॉर्स पावर के अनुपात को हम मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें पता लगता है कि वीडियो कितनी ठीक बनी है। अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ठीक है, थैंक यू।